आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। यह सरकार आम लोगों की किसान सरकार है। लोगों ने 2014 को हमको दिया जनादेश, इस बार भी मिलेगा। विदर्भ में पहली बार तनस पर प्रक्रिया कर इथेनॉल बनाने का उद्योग भंडारा से शुरू किया जाएगा। एवं हमारे पार्टी का प्रत्याशी आया तो और भी खेती पर आधारित उद्योग इस जिले में शुरू करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दशहरा मैदान पर आयोजित प्रचार सभा में संबोधित करते हुए कहा। भंडारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अरविंद भालाधरे के प्रचार की प्रचार सभा में मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार एवं केंद्र सरकार ने किए विविध योजनाओं की जानकारी दी। इसमें 50 लाख किसानों के बैंक खाता में डाले, अकाल को अनुदान दिया, खेत तालाबों को अनुदान दिया, धान को बोनस दिया, अतिवृष्टि का अनुदान दिया। इसके पहले के सरकार ने 15 वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए दिए और हमने पिछले 5 वर्ष में किसानों को 50,000 करोड़ रुपए दिए। वे वर्ष को 1200 करोड़ रुपए देते थे, हमने वर्ष को 10,000 करोड़ रुपए देकर किसानों की मदद की। हम प्रति वर्ष बोनस दे रहे हैं। वर्ग दो की खेती वर्ग एक में की भूमिधारी से भूमि स्वामी किया। विरोधी पार्टी को आह्वान देते हुए पिछले 15 वर्ष में कांग्रेस एवं राका ने अपने कामों का हिसाब देना चाहिए। मैं अपने 5 वर्ष का हिसाब देता हूँ। मैंने 5 वर्ष में दोगुना कार्य किया है। किसानों के हमेशा हितैषी रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कर्ज माफी दी। युति में बागियों को प्रवेश नहीं, वे कभी भी चुनकर नहीं आ सकते हैं। सत्ता हमारी आएगी, इसलिए भंडारा विधानसभा का विधायक यह भाजपा का ही होगा। सभा में भंडारा गोंदिया जिले के सांसद सुनील मेंढे, तारिक कुरेशी, विधायक रामचंद्र अवसरे, अरविंद भालाधरे, आरपीआई के जिलाध्यक्ष असित बागड़े, चंद्रशेखर रोकड़े, उल्लास जी फड़के, रामदास शहारे, विलास काटेखाए, नरेश डहारे, धनंजय लोहकर, अनिल मेंढे, प्रशांत खोबरागड़े, मुकेश थानथराटे, नगर परिषद उपाध्यक्ष आशु गोंडाने, चंद्रशेखर दुरुककर, वर्षा साकुरे, पवन कोराम, चिंतामन मेहर, सुरेंद्र आयतुलवार, नितिन कढ़ाव, मयूर बिसेन, मंगेश वंजारी, संतोष त्रिवेदी, आबिद सिद्दीकी, युगकांता रहांगडाले, विकास मदनकर, नितिन धकाते, राजेश चिटकुले, भूपेश तलमले उपस्थित थे।